सब्सक्राइब करें विनेशर 100 चैनल को, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज दोस्तों हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर हाइफेनेशन के बारे में। हाइफेनेशन का यूज हम क्यों करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। दोस्तों मैं हाइफेनेशन के बारे में बताता हूं। हाइफेनेशन में 2 ऑप्शन है, एक है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअली। मैनुअली मैंने जो अपने हाथ से करना है, और ऑटोमेटिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिक कर देगा। तो एक बार मैं मैनुअली थोड़ा सा करके दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। दोस्तों जैसे इंक्लूड यहाँ पे लिख रखा है, इंक्लूड में कुछ ज़्यादा स्पेस करूँ या विद लिख रखा है, जैसे इंक्लूड लिख रखा है यहाँ पे क्लिक करके स्पेस करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करें दोस्तों ये इंक्लूड नीचे आ चुका है। अगर ये पूरा वर्ड नीचे जा रहा है, पर मुझे यहाँ पर देखो कितना गैप आ चुका है, ये अच्छा लग रहा है गैप, ठीक है। दोस्तों मुझे यहीं पे वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे इसके इधर क्लिक करो, बैक स्पेस करा और थोड़ा सा और बैक स्पेस, और यहाँ से क्लू यहाँ पे जा गया और यहाँ पे करा हाइफनेशन, एक माइनस का मार्क दे दिया या डेस का मार्क, इसे कहते हैं डेस का मार्क, ये लगाने के बाद और इसके बाद से मैंने इसे स्पेस कर दिया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों इनक्लू इनक्लू होगा और यहाँ पे डी आ गया, इनक्लू यहाँ तक दोस्तों इंक्लूड इंक्लूड पढ़ेंगे दोस्तों, इसका अर्थ है जोड़ना, इंक्लूड का अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे एक डैश का मार्क दिख रहा है जो दिखा रहा है इंक्लूड, तो यहाँ पर हाइफनेशन का यूज हुआ है। दोस्तों इसी को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑटोमेटिकली ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मैनुअली से भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको करके दिखाते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो इसे हटा देते हैं दोस्तों, बैक स्पेस करा और यहाँ पर भी बैक स्पेस करते गए और यहाँ पर भी करा, तो दोस्तों ये हट चुका है। तो अब ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली करके दिखाता हूँ दोस्तों। ऑटोमेटिक पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक पे क्लिक करा तो दोस्तों आपको हाइफनेशन दिख रहा होगा हर जगह, इस पर तो दिखा नहीं दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे DOCUMENT यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों ये पूरा वर्ड पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पिक PIC और ये डेस्क का मार्क TURES पिक्चर्स, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे COOORDINATE क्योंकि डेस्क का मार्क होगा, ये पूरा वर्ड है दोस्तों, आ नहीं पा रहा था इस लाइन में तो इसे नीचे एक डाल देगा, नीचे रख देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड, दोस्तों यहाँ पे लिखा सी और यहाँ पे लेक्टेड क्योंकि ये इसी का वर्ड है सिलेक्टेड, तो ये हो गया ऑटोमेटिक पे करने के बाद इसको नन कर देना दोस्तों, हट जाएगा, नन पे क्लिक करा हट गया। देखो दोस्तों सभी जगह से हट चुका है, डॉक्यूमेंट के भी हट चुका है और यहाँ पे दोस्तों भी हमने लगाया था इनक्लू, वहाँ पे भी था डॉक्यूमेंट पे था, और दूसरा हमारा यहाँ पे सभी जगह दिखता है, सारी जगह डैश हट चुका है हाइफनेशन। अगर मैनुअली लगाना है, मैनुअली मैंने अपने हाथ से लगाना है तो इस पर क्लिक करा मैनुअली पे, तो यहाँ पे करा सिलेक्टेड पे आपको लगाना है हाइफनेशन दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर दो सिलेक्टेड पे, अगर लगाना है तो यस कर दो, यहाँ पे चूजिंग पे लगाना है तो यस कर दो, और अगर दूसरा आ गया कंट्रोल पे लगाना है या नहीं तो मैंने कर दिया नो, मुझे नहीं लगाना है कंट्रोल पे, तो यहाँ पे नहीं लगा देगा दोस्तों, कंट्रोल पे नहीं लगा होगा। डॉक्यूमेंट पे लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है और इस वाले डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाना है, जिस पे लगाना है आपको लगा दो और जिस पे नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत पे हाइफनेशन लग गया और किसी पे नहीं, सिलेक्टेड पे लगाया, चूजिंग पे लगाया, इसका कहते हैं कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल कहेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी भी टेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल पे देखो हाइफनेशन लगा हुआ है, चूजिंग पे लगा हुआ है, तो जो यहाँ से अपना चूज ING चूजिंग, तो दोस्तों इसका यूज हाइफनेशन के लिए किया जाता है। और आपको मैंने ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों ही समझा दिया, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, प्लीज़ सपोर्ट मी।